कौन? जब तुम दोनों अपना बेकार सा खेल खेल रहे थे, तब मैंने अपना नया दोस्त बनाया। इसका नाम है यूसुफ, इसे मैं ही देख सकता हूँ। बकवास बात है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम लोग जाओ, मैं यूसुफ के साथ खेल रहा हूँ। अरे मैथ्यू, अब चलो भी। चलो यूसुफ, हम खेले। हमें माफ करो, अब चलो। क्या चल रहा है बच्चों? फादर जॉन, गुड मॉर्निंग फादर। फादर, मैथ्यू गुस्सा है क्योंकि हम उसके साथ नहीं खेल रहे थे। और फादर, उसने अब ऐसा दोस्त बना लिया है जो दिखाई ही नहीं देता। ओह, एक काल्पनिक दोस्त। क्या ये सच है मैथ्यू? मैं तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम यूसुफ है। वाह, क्या तुम जानते हो बाइबल में यूसुफ के बारे में कहानी है जो अपने सपनों को समझाता था? सच में उसका नाम यूसुफ था? हाँ, उसका नाम यूसुफ था। वो याकूब का पुत्र था। क्या वो याकूब का पुत्र है जिसे इज़राइल कहते थे? सही है लूसी, मुझे लगता है कल की कहानी तुम्हें पता है। फादर, क्या यूसुफ सच में सपनों का अर्थ समझाता था? हाँ बच्चों, क्या तुम्हें ये कहानी सुनना है? यस फादर। ठीक है बच्चों, बैठ जाओ। यूसुफ याकूब की प्रिय पत्नी राहेल का पहला पुत्र था। बेन्यामिन को जन्म देने के बाद राहेल नहीं रही। याकूब यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसके कारण उसके भाई उससे जलन रखते थे। ओह, ये कठिन है। ओह, आज बहुत गर्मी है। उफ, और अभी तक दोपहर भी नहीं हुई है। हाँ, गर्मी बढ़ रही है और हमारी फसल मुरझा रही है। खड़े रहकर बात मत करो, इसे शाम तक पूरा करना है। कर सकते हैं अगर पिताजी का वो प्रिय हमारी सहायता करे। हेलो भाइयों, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, पिताजी ने कार्य की प्रगति देखने भेजा है तो मैं यहाँ आया। ओह, पिताजी का प्रिय हमारा कार्य देखने आया है। क्या भाई, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आ, छोड़ो छोड़ो मुझे। पिताजी चाहते हैं शाम तक ये कार्य हो जाए। हम इस काम को खत्म कर सकते हैं यदि तुम सहायता करो तो। मैं रुक नहीं सकता, मुझे और भी दूसरी जगह जाना है मेरे भाइयों। ये सबसे छोटा है, ये हमें हुकुम कैसे दे सकता है? और ये हो गया। क्या ये मेरे लिए है पिताजी? नहीं बेटे, ये तुम्हारे भाई के लिए है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। ये उसके लिए उपहार है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या आप मुझे भी देंगे? हाँ, जरूर मेरे बेटे, मैं एक तुम्हें भी दूंगा जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाएगा। मुझे नहीं पता उनको क्या परेशानी है। वाह, ये कितना सुंदर है। क्या तुम्हें ये पसंद है बेटे? ये बहुत सुंदर है। ये बहुत सुंदर है, तुम्हारे 17 साल के होने का उपहार है। ओह, धन्यवाद पिताजी। क्या है ये? हैं? क्या? यूसुफ के कोट को देखो मूर्खों। वाह, हमारे पिताजी ने ही उसे दिया होगा। क्या हम यहाँ नौकरों की तरह कार्य करने के लिए हैं? अरे सुनो, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। चुप रहो, हमें तुम्हारे सपने से कोई मतलब नहीं। चुप रहो तुम लोग। यूसुफ, तुम्हारे सपने के बारे में मुझे बताओ। मैंने देखा
हम लोग एक साथ खेत पर गेहूं के पुले बांध रहे थे। और मैंने देखा तुम सबके पुले मेरे पुले को प्रणाम करने लगे। तुम्हारा मतलब है कि हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं? तो तुम हम पर राज करना चाहते हो हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारा मतलब क्या है? हम तुम्हें अपना राजा नहीं बनने देंगे। हाँ ठीक है, इसे भूल जाओ। मैं तुम्हें एक दूसरा स्वप्न सुनाता हूँ। क्या तुमने उड़ते हुए ऊँट की सवारी की है? और तुम हवा में उड़ रहे हो। मैं तुम्हें इतनी जोर की लात मारूंगा कि उड़ना भूल जाओगे। हो सकता है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शांत रहो यूसुफ। ठीक है, मैंने देखा मैं सपने में पहाड़ पर चढ़ा। मैंने ऊपर देखा कि सूर्य, चंद्र और 11 तारे सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये पागल है। पर पिताजी, आप यूसुफ के सपनों को इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? तुम थोड़ा धैर्य धरो यूसुफ, ये ईश्वर की ओर से है। तुम तो बस अपना स्वप्न सुनाओ। हाँ, बहुत हुआ, आप इसे हमेशा बढ़ावा देते हैं, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। इसको तो मैं सुनो, इधर आओ यूसुफ, शिखेम जाकर देखो तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं। जी पिताजी। यूसुफ, यात्रा बहुत लंबी है, तुम कल सुबह ही निकल जाना। हाँ पिताजी, मैं कल सुबह ही निकलूंगा। बहुत अच्छे, 12 दिन में तुम्हें वापस लौटना है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। चिंता मत करिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। पिता की बात मान यूसुफ शिखेम के लिए निकला। कई दिन चलने के पश्चात वो वहां पहुंचा जहां उसके भाई काम कर रहे थे। वो देखो, वो कौन आ रहा है? वो स्वप्न देखने वाला, हम उसके आगे क्यों झुके? ये हमारे पिता का जासूस है, मैं इसकी हड्डी तोड़ दूंगा। मैं आज इसको मारकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा, देखना तुम। भाइयों सुनो, हम इसको इस खाली कुएं में फेंक देते हैं, कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। नहीं, हम हमारे भाई की हत्या नहीं कर सकते। हम उसे नहीं मारेंगे। चुप रहो, वो आ रहा है। आ, छोड़ो मुझे। आओ तुम्हारा कोट देखें जो पिताजी ने मिस्र से बुलवाया है। छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हम पे राज करना चाहते हो, पकड़ो छोड़ो इसे। मुझे। चुप रहो, छोड़ो मुझे। रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ, ये हमारा भाई है। भाई रुको, नहीं, सीधे रहो, कृपा कर छोड़ दो मुझे। अब तुम्हारा सपना बताओ। चलो अब इसे फेंक दें। चलो ये तो हो गया। भाइयों मुझे बचाओ। अरे वो देखो, कुछ व्यापारी यहीं आ रहे हैं। बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे भाइयों। मुझे लगता है उन्होंने यूसुफ की आवाज सुनी है। हम अपने भाई को व्यापारियों को भेज देते हैं, हम उसे मारने से भी बच जाएंगे और पैसे भी मिलेंगे। ये बढ़िया विचार है। चलो रस्सी फेंको और उसे कुएं से बाहर निकालो। भाइयों ने यूसुफ को मिदियानी व्यापारी को 20 सिक्कों में बेच दिया और वे उसे मिस्र देश ले गए। भाइयों कृपा कर उन्हें मुझे नहीं ले जाने दो। रोना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना ये लाठी से तुम्हें मैं। पर हमने ऐसा क्यों किया? हमें हमारे भाई को नहीं बेचना चाहिए था, ये हमने अच्छा नहीं किया। आ, कोई बात नहीं,
उसे मारने से बेहतर था कि वो जिंदा रहे, समझे? परंतु हम घर जाकर पिताजी को क्या कहेंगे? सुनो सब लोग, मैं यूसुफ के कोट को बकरे के खून में डुबा कर लेकर आता हूँ। हाँ आहा, बहुत बढ़िया, चलते चलते कोई कहानी सोच लेंगे और पिताजी को सुना देंगे। चलो, जो हुआ कम से कम वो जिंदा तो रहेगा, हे ईश्वर उसकी मदद करना। यूसुफ के भाइयों ने बकरे के खून में यूसुफ का कुर्ता डुबोया और अपने पिताजी के पास ले गए। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जंगली जानवर ने इसको मार दिया। ये क्या हुआ? ओ मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। एक महीने बाद वो उसको लेकर मिस्र में ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों को बेच दिया जाता था। 50 चांदी के सिक्के, 130 सिक्के, 300 चांदी के सिक्के। 300 चांदी के सिक्के किसने कहा? सामने आओ। ये मैं हूं। 300, कोई और है? 301, 302, 303, कोई नहीं है। ये आपका हुआ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम यूसुफ है स्वामी। यूसुफ ने पोतीफर अंगरक्षकों के अध्यक्ष को कहानी बताई। पोतीफर ने पहले खेत का कार्य दिया। यूसुफ मेहनती था और उसकी पदोन्नति हुई। कई साल हो गए, ईश्वर ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और ईश्वर सब काम सिद्ध कर देते थे। यूसुफ, इस साल खूब अच्छी फसल हुई है। पड़ोसियों को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ईश्वर ने हमें दोगुना दिया है, समझे? धन्यवाद स्वामी, ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी संपत्ति के प्रबंधक हो। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। जाओ और खूब मन लगाकर काम करो। धन्यवाद स्वामी। वो बहुत सुंदर है, पर मेरी ओर देखे तो यूसुफ सुंदर युवक था। पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर आसक्त हुई। एक दिन जब पोतीफर नगर से बाहर था, उसने यूसुफ को अपने पास बुलाया। यूसुफ, हाँ? यहाँ यूसुफ, मेरी तरफ देखो। जी मालकिन। ओ यूसुफ, मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या बात है, क्या हुआ? मेरे पास अंदर आओ ना। क्या हम यहीं बात कर सकते हैं? चलो भी, शर्माओ मत। जी ठीक है। आओ यूसुफ। मैं क्या बात है? यूसुफ, मैं ऐसे जीवन से परेशान हूँ। मेरे पति महान हैं, पर वे घर नहीं रहते। उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं। हाँ, आप अच्छी तरह जानती हैं, मेरे स्वामी अधिकतर व्यस्त रहते हैं क्योंकि वे बड़े अधिकारी हैं। रुको, नहीं रुको, मैं जाता हूँ। यूसुफ, यहाँ आओ। बेवकूफ, तुम्हें इसके लिए सजा मिलकर रहेगी। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ से बदला लेने की ठानी और पोतीफर के आते ही यूसुफ के बारे में झूठ बोला। वो आपका इब्रानी दास मुझे। यूसुफ? हाँ यूसुफ, वो मेरे कमरे में आया था। उसने क्या किया? हाँ, जब मैं अकेली थी
तब वो मेरे कमरे में आया और मैं चिल्लाई तब भाग गया। ये देखो यूसुफ, ये तुमने किया, मैं उसे सजा दूंगा। और पोतीफर ने अपनी पत्नी की बात मानकर यूसुफ को जेल में डलवा दिया। हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? घबराओ नहीं जोसेफ, तुमने कुछ नहीं किया है। वो औरत ही अच्छी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे सेनापति की पत्नी है। आप बहुत दयालु हैं, ईश्वर निर्दोष की रक्षा करेंगे। कई साल बाद मिस्र के फिराउन ने सभा बुलाई। वो चाहता था कि कोई उसके देखे सपनों को समझा सके। क्या यहाँ कोई नहीं है? पूरे मिस्र में मेरे सपनों का अर्थ कौन समझाएगा? महाराज, मैं कुछ बोलूं? तुम कौन हो? महाराज, मेरा नाम गोलर है, मैं बंदी गृह का प्रधान हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं एक इब्रानी कैदी को जानता हूँ जो लोगों को उनके सपनों का अर्थ समझाता है। उसे यहाँ ले आओ, हो सकता है वो कैदी बेहतर बताए। तो तुम हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यूसुफ है महाराज। हमारे अधिकारी ने बताया है कि तुम सपनों का अर्थ बता सकते हो। महाराज, ईश्वर ही स्वप्न भेजते हैं, वही समझते हैं। क्या मैं आपके स्वप्न सुन सकता हूँ? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने दो सपने देखे हैं। पहला है, मैंने देखा नील नदी से 7 सुंदर मोटी गाय निकली और किनारे की घास को चरने लगी। उनके पीछे फिर 7 कुरूप और दुबली पतली गाय नील नदी से निकली और उन मोटी गायों को खा गईं। क्या तुम मेरे इस सपने का अर्थ समझा सकते हो? हाँ, क्या आप दूसरा स्वप्न बता सकते हैं? हाँ, मैंने स्वप्न में देखा कि एक ही पौधे से 7 हरी भरी अच्छी बालियां निकली, उसके बाद फिर पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालियां फूट निकली। पतली बालियां उन 7 हरी भरी बालियों को खा गईं। दोनों स्वप्न एक ही हैं महाराज, ईश्वर ने आप पर प्रकट कर दिया है कि वे क्या करने वाले हैं। इन 7 मोटी गायों और बालियों का अर्थ है 7 साल मिस्र के समृद्धि के होंगे, परंतु इसके बाद 7 साल तक अकाल रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुनें जो सुकाल में उपज का 5वां भाग लिया करे, जिससे अकाल में भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद यूसुफ, परंतु तुम्हारे समान व्यक्ति जिसमें ईश्वर की आत्मा विद्यमान हो, वही ये कार्य कर सकता है। तुम ही मिस्र के शासक होगे, मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं को मानेगी। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। लो ये अंगूठी लो, आज से पूरे मिस्र में तुम्हारी ही आज्ञा मानी जाएगी। आप बड़े दयालु हैं महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा यूसुफ ने कहा था, सुकाल के 7 वर्षों के बाद अकाल पड़ा, उपज नहीं हुई, जानवर भूख से व्याकुल हो गए। परंतु यूसुफ ने उपज का 5वां हिस्सा जमा किया। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए। याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज मिलता है, तो उसने पुत्रों को अनाज खरीदने भेजा। वे यूसुफ के पास आए, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि ये वही यूसुफ है। तुम सोचते हो क्या वो हमें अनाज देगा? हाँ, मुझे लगता है, लोग कहते हैं कि वो दयालु है। पिताजी ने हमें यहाँ भेजकर अच्छा किया है। हाँ, हो सकता है हमें कुछ अनाज मिल जाए।
चुप रहो, वह यहीं पर है। मिस्र के शासक यूसुफ के सामने सब घुटनों के बल बैठ जाओ। मेरे भाई यहाँ क्यों आए हैं? मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। सबको अनाज दो, बस इन लोगों को नहीं। मुझे इनसे कुछ प्रश्न पूछना है। कौन हो तुम? क्या तुम जासूस हो? नहीं महाराज, हम जासूस नहीं हैं। हम गरीब इब्रानी हैं और हम 12 भाई हैं महाराज। अरे तुम तो 10 लोग हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं महाराज, हमारा एक भाई मर गया है और दूसरा भाई घर पर पिताजी की देखभाल कर रहा है महाराज। सही है स्वामी, हम लोग जासूस नहीं हैं। झूठ बोलना बंद करो जासूसों, इन्हें जेल में डालो अभी। माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। महाराज कृपया हमें जाने दीजिए। हमारे पिता, हमारा भाई, हम घर नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा? महाराज हमें जाने दीजिए कृपया, हम जासूस नहीं हैं, हम गरीब इब्रानी हैं। ठीक है, अब रो मत, मैं एक के सिवाय सबको यहाँ से जाने दूंगा। तुम कनान अनाज भी ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हें यहाँ लाना होगा, तब मैं तुम पर विश्वास करूंगा। सिमोन अकेला ही जेल में रह गया, बाकी सब चले गए। जब भाई लौटे तो वे बेन्यामिन को साथ लाए। यूसुफ बेन्यामिन को देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु उसने स्वयं को जाहिर नहीं किया। उसने उनको भोजन पर आमंत्रित किया, परंतु जब भोजन हो गया तो उसने चांदी का प्याला चुपके से बेन्यामिन के बोरे में रखवा दिया। मैं सोच रहा था कि हम वहां मर ही जाएंगे। ये तो चमत्कार हो गया है, चलो चलो। भाइयों देखो, सैनिक हमारा पीछा कर रहे हैं। अपना बोरा दिखाओ। पर सैनिक जी, हमें आपके स्वामी ने छोड़ा है। उन्हीं ने तुम्हारी तलाशी लेने को कहा है। परंतु हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ है, मुझे मिल गया चोर। तुम कुछ नहीं जानते हैं? इसकी सजा मिलेगी। महाराज मैं चोर को ले आया। तुम जा सकते हो। नहीं महाराज, मैंने नहीं चुराया है। कृपया हमें मत मारना महाराज। कृपया हमें जाने दीजिए, हमारे पिताजी की देखभाल कौन करेगा? मैंने कुछ नहीं किया, कृपया मुझे जाने दीजिए, कृपया। बेन्यामिन, मेरे छोटे भाई, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम यूसुफ, यूसुफ तुम हो? ये तुम हो? हाँ मेरे छोटे भाई, ये मैं ही हूँ। यूसुफ हमारा भाई, लेकिन ये सच में तुम हो? हमें माफ कर दो भाई। माफी नहीं मांगो मेरे भाइयों, ईश्वर ने मुझे यहाँ कई लोगों की जान बचाने भेजा है। यूसुफ अपने परिवार से मिला, उनके पिता याकूब को मिस्र लाए और वो अपने प्रिय पुत्र को देखकर खुश हुए। फादर, क्या यूसुफ के पुत्र थे? हाँ, उनका नाम मनस्से और एफ्रेम था। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें कहानी पसंद आई बच्चों? फादर, इस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा? नहीं बच्चों, देर हो रही है, अपने अपने घर जाओ। बाय।